हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नाम क्या दूसरे वाले का? दूसरे वाले का मोटे भाई, मोटे हाजी, मोटे अखाड़े। वही नियम लागू होगा तो मोबाइल में किसी का लॉन्ग काम नहीं बना। ठीक है, नियम लागू होगा। ठीक है भैया, सर 30 सेकंड की बजाय आप एक मिनट का समय देंगे। ठीक है जी, ये एक बार मोटे करवा दी। हाँ जी, अगली कुश्ती जो है वो मोनू कैप्ट चादरू बखाड़ा और मोही धरती रखाड़ा, ये पहलवान जल्दी से अखाड़े के पास आ जाए, बिल्कुल इंतजार नहीं होगा। ये आप ध्यान देने पहलवानों, जिन पहलवानों ने टाइटल में वजन दिया है वो अपने आप को मालूम रखे। सभी टूटियां लगातार चलेगी, कोई भी इंतजार नहीं होगा। उससे आगे सुरेश खेड़ी जटी और आकाश अगिलवान खड़ा, रोहित कोटा खड़ा, रोहित कैप्टन चांदू खड़ा, नवदीप देशिक खड़ा, सुमित कोटा खड़ा, परवी सोनू खड़ा, भादरगढ़ सन्नी देवर खड़ा, छा हमारे बीच में दस्यु पहलवान पहुंच चुके हैं। दस्यु पहलवान जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। साथियों से नमन है, अपनी जगह पर आराम से बैठे आपकी व्यवस्था करने के लिए हमने बड़ी खुशी है। आप दल में आ रहे यहाँ दूसरा विशाल भाग के अगली कुश्ती का जो पहलवानों को आशीर्वाद देंगे, कौशलपुर के जितने युवा साथी है, युवा शक्ति सोनी नाग उनकी युवा शक्ति है, उन सभी का नाम लेवा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सभी युवाओं से जितने गांव के युवा साथी हैं वे वहां पर पहुंच जाएंगे अगली कुश्ती में। पहलवानों का हाथ मिलाकर युवा शक्ति दूसरा विशाल कुश्ती का उद्घाटन होने जा रहा है, उसको कुश्ती कराएंगे। कौशलपुर के जितने युवा साथी हैं मैं सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पहलवानों के नाम भी बोल रहे हैं कोशिश में। गिरी पहलवान भरतल से हमारे बीच में पहुंचे जिन्होंने पिछले दिनों मेडल जीत के रेस्ट हो गया शांत देना, पूरा एक मिनट है ये इसका समय। परवीन ने ध्यान दिया है, मरवाज ने बोल धारण लिया। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में तरुण पहलवान के पिताजी जो कि बड़े कुश्ती के शौकीन है, रामपुर प्रधान बहुत समिति के मेंबर है, गांव पटवा पुरुष यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने पर हम रामपुर प्रधान जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अमित कटिया और से हमारे साथी सरजी गैलाव, अनिल ठेकेदार मैम डेरी, नीटू सुमारी हमारे बीच में पहुंचे साथी, दामवीर साथी हैं, बिंदु प्रवीण पटवापुर और गिरी पहलवान से 21 रुपए का सहयोग किया है। हम सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। वीडियो खराब हो जाएगी, पूरे भारत को दिखानी है, खराब हो जाएगी। और राज्यपाल
नंबरदार जी बेस्ट काउंसलर ने क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य किया है, उन्होंने सरकार को बेस्ट काउंसलर का खिताब दिया है, उन्होंने अपनी लेख कमाई से 11,000 रुपए का सहयोग किया, वो था पहला दस के अगला। हम माननीय राजपाल नंबरदार जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं आपने कुश्ती की भलाई के लिए और इन नौजवान शक्ति को आगे ले जाने के लिए आपने क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजपाल नंबरदार जी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है, आपने कीमती समय को दिया। मेरे जितने भी पहलवान हैं बाहर किसी टाइम पर लिए अपने आप को यही आसपास के कोई दूर ना जाए और वापस रखे, हम बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे, कुर्सियां बहुत ज्यादा है, इसलिए भाई युवा शक्ति फोसलपुर गांव के जितने युवा साथी हैं सभी अखाड़े के नजदीक चले जाएंगे, अगली कुश्ती को विधिवत उद्घाटन उन साथियों के द्वारा किया जाएगा, पहली कुश्ती बुजुर्गों के द्वारा किया गया, नाड़ पहलवान ने ये सभी को मान सम्मान देने का यहाँ प्रयास किया है, अगर भूल चूक से कोई रह भी जाए तो माफ करना, लेकिन हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं गांव के युवा साथी दंगल के बीच में जाएंगे अगली कुश्ती में और पहलवानों को आशीर्वाद के रूप में विधिवत को उद्घाटन करेंगे। ये राम राम ने भूख है भाई, आता जम रहा भाई, कितना अच्छा मंत्री डागा जी ने बताया, कितना अच्छा जगह है मंत्री भैया जी, जो कि हमेशा कंपटीशन डायरेक्टर के रूप में हमें सामने आते हैं। इस कुश्ती में अजय संजय